आज का हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट यहां पे, और बिल्कुल अच्छे से समझना है ये। इसको मैंने तीन पार्ट में बांट दिया है, लेकिन अभी हो सकता है कि इसके हेडिंग आपको समझ में ना आए, तो कोई बड़ी बात नहीं। हेडिंग से क्या है, हेडिंग तो क्वेश्चन करने के बाद भी समझ सकते हैं, रिवीजन के टाइम के लिए काम आएगा। अब देखो मैं पहले ये वाला कर रहा हूं, फेल अलॉटमेंट। सबसे पहले सपोज करो मैंने लिखा ऑथराइज कैपिटल ₹10 लाख, एट ₹10 ईच। तो क्या इस स्टेटमेंट का, इस लाइन का कोई यूज है क्वेश्चन में? ऑथराइज कैपिटल का कभी यूज नहीं होता, ये बात हमें पता होना चाहिए। इसके बाद मैंने कहा इशूड ₹1,50,000 एट ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम। इस लाइन का मतलब है कि मैंने जो शेयर इशू किया है वो 15 लाख 1.5 लाख रुपए का है, यानी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर। यहां पे तो सिंपल आपको पता चल रहा है, कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 10, 15,000। अब मैंने कहा एप्लीकेशन रिसीव सपोज करो 40,000 शेयर, एप्लीकेशन रिसीव 40,000 शेयर। इसके बाद मैंने क्वेश्चन यहां खत्म नहीं किया, टू बी कंटिन्यू, मैं अभी और आगे लेके चलूंगा इस क्वेश्चन को। आगे लिखा मैंने अप्लाई, या मैं इसको बोल सकता हूं एप्लीकेंट, इसका मतलब होता है मांगना, इसका मतलब होता है मांगना। एक मैं लिखता हूं यहां पे अलॉटेड, या लिखता हूं होल्डर, इसका मतलब होता है मिला। अब दोनों वर्ड में क्या फर्क है ये जानते हैं, मांगना और मिला दोनों में फर्क है। आपने कंपनी से शेयर मांगा, इसको बोलते हैं मांगना, लेकिन कंपनी ने उसके बदले में आपको कितने शेयर दिए, इसको बोलते हैं मिलना। तो दोनों में फर्क है। अब मैंने यहां क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा जिसने मांगे 4,000 उसको मिला फुल। तो इसका मतलब क्या है, जो 4,000 मांगता है उसको मिल जाएगा 4,000 शेयर, यही है इसका मतलब। इसके बाद मैंने लिखा जिसने मांगा सपोज करो जिसने मांगा 20,000 शेयर उसको मैंने दिया निल, यानी जिसने 20,000 मांगा उसको मैंने एक शेयर भी नहीं दिया, उसके पैसे वापस कर दिए, इस निल का मतलब है। आगे मैं क्वेश्चन में कह सकता हूं बैलेंस ऑन प्रोराटा बेसिस, मैं आगे कह सकता हूं बैलेंस ऑन प्रोराटा बेसिस, या फिर मैं आगे कह सकता हूं बैलेंस एडजस्ट, बैलेंस टू बी एडजस्टेड, दो वर्ड है। तो बैलेंस प्रोराटा बेसिस मेनली क्वेश्चन में कहा जाएगा। तो बैलेंस कैसे पता करें, देखो मेरे पास 4,000 शेयर मैं दे चुका हूं आपको, अब मैं और कितने दे सकता हूं, मेरे पास राइट कितने का है। इशू अगर मैंने 15,000 शेयर किया है तो मेरे पास सिर्फ 15,000 ही देने का राइट है, जिसमें से मैंने ऑलरेडी कितना दे दिया है, तो और 11 मैं दे सकता हूं। 4,000 शेयर एडजस्ट हो गया और 20,000 को वापस कर दिया, तो यानी जो मेरे पास एप्लीकेशन इकट्ठा हुआ था वो कितना इकट्ठा हुआ था, 40,000, जिसमें से 24,000 का मैंने निपटारा कर दिया है, तो और कितने एप्लीकेशन का हिसाब किताब करना है,
16,000। तो बैलेंस ऑन प्रोराटा बेसिस का मतलब है कि अब हमें खुद निकालना है, 16,000 वालों को हम दे देंगे 11,000। और इसको मैं नंबरिंग डाल देता हूं, एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर। इसका मतलब नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री जो बोला हुआ है, इसको हम कैटेगरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ोगे तो कुछ सारे वर्ड्स आएंगे, तो वर्ड तो क्लियर हो, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो करेंगे कैसे हम। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कैटेगरी। कैटेगरी वन का कैसे बोला जाएगा, क्वेश्चन देखो कैसे देगा। 4,000 हु अप्लाई 4,000 अलॉटेड फुल, समझे इसका मतलब। जिसने मांगे 4,000 उसको मेरा, तो ऐसे करके आप टेबल बनाना पड़ेगा, एग्जामिनर बना के नहीं देगा। हु अप्लाई 20,000 शेयर आर रिजेक्टेड, जिसने मांगे 20,000 उसको मैंने कर दिया रिजेक्ट, ये बनाना पड़ेगा आपको। बैलेंस ऑन प्रोराटा बेसिस, तो बैलेंस दिमाग लगाना है आपको कि 15,000 में से कितने का हिसाब हो गया, बाकी लिख देंगे, और टोटल एप्लीकेशन में से कितने का हिसाब हो गया, बाकी लिख देंगे। समझ आ रहा है। आंसर को वेरीफाई करने के लिए इसका टोटल होना चाहिए 40,000 और इसका टोटल होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, सिंपल। अब मैं यहां डिटेल बताता हूं आपको कि मेरा शेयर जो है वो 10+1 का है। मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरीके से है, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 7 रुपए, और बाकी कितने बच गए बताओ, 7 और 2 9, 2 रुपए बचे हैं। हमें तो 11 ही करना है ना, 2 बच गए। अब क्वेश्चन रेज होता है कि सर +1 क्या है, ये प्रीमियम है। क्वेश्चन में मैंने ये नहीं बोला कि प्रीमियम की एंट्री कहाँ पे दर्शाओगे, कहाँ पे शो करोगे, तो हमारा अजम्पशन रहता है अलॉटमेंट पे करेंगे, यही अजम्पशन रहता है। तो मैं यहाँ पे एक अपने लिए वर्किंग नोट, मैंने बोला 6 तो है शेयर कैपिटल, 1 है सिक्योरिटी प्रीमियम। बोलो यहां तक क्वेश्चन समझ आ रहा है पूरा। अब मैंने क्या बोला, एक पर्सन है, एक पर्सन, ये लो मैंने एक पर्सन बनाया, कौन है ये है राम, ये राम है, जिसने अप्लाई किए। अब बताओ अप्लाई का मतलब, जिसने मांगे 100 शेयर फेल, यानी जिसने 100 शेयर मांगे वो क्या हो गया, फेल हो गया। फेल का मतलब पैसे नहीं दे रहा। एक और मैं पर्सन लेके आया, मान लेते हैं सोहन, इसको अलॉटेड था मान लेते हैं 110 शेयर, और ये भी फेल हो गया। एक को अप्लाई और दूसरे को अलॉटेड लिखा मैंने, अलॉटेड का मतलब क्या है, इसको मिला। समझ आ रहा है। अब मेरे से क्वेश्चन पूछोगे तो सर यहां पे कंफ्यूजन आ गया। क्या कंफ्यूजन आया, कि ये तो पता ही नहीं है कि ये 100 शेयर देने में जो फेल हुआ वो इस वाले रॉ के अंदर था, यानी इस कैटेगरी के अंदर था, और जो ये फेल हुआ वो इस कैटेगरी। ये तो जानकारी दो, उसी के हिसाब से तो कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हम मान तो सकते नहीं। तो चलो ये भी मैं बता देता हूं, ये जो पर्सन है वो बिलोंग्स करता है इस कैटेगरी से, और ये पर्सन बिलोंग्स करता है इस कैटेगरी से। तो मुझे बताना, ये फर्स्ट कैटेगरी है, इसके अंदर अगर आपको रखा जाए, इसी कैटेगरी में रखना चाहता हूं मैं आपको, तो आप अगर 10 शेयर मांगोगे तो आपको मिलेंगे कितने, 10। अगर आप 20 शेयर मांगते हो तो मिलेंगे कितने, 20, क्योंकि ये कैटेगरी कौन सा है, फुल वाला। लेकिन अगर मैं आपको इस कैटेगरी में रखूं, तो आप अगर 10 शेयर मांगते हो तो 10 नहीं मिलेगा, कम मिलेगा आपको। अगर मैं आपको इस कैटेगरी में रखूं और आप मुझसे 500 शेयर मांगते हो, तो मैं आपको कितने दूंगा, 0 दूंगा। तो समझ में आ रहा है कि कैटेगरी से बिलोंग का मतलब क्या है, कहाँ पे
लिंक है उसका। चलिए अब हम इसकी जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं, और जर्नल एंट्री स्टार्ट करने के बाद हम फिर उसको कहाँ इस एंट्री का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। ठीक है, मैं जर्नल एंट्री स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। यहां पे मैं जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने पहली एंट्री करी यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर एप्लीकेशन, कुछ बच्चे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। अब हमेशा पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव से करते हैं, ठीक है ना, चाहे अंडर सब्सक्राइब हो चाहे ओवर सब्सक्राइब हो। तो एप्लीकेशन रिसीव तो 40,000 है, और एप्लीकेशन का पैसा 2 रुपए है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 2 करके यहां पे 80,000 रुपीज दिखा देंगे। 80,000, कोई डाउट? अब अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री मैं करने वाला हूं शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, और टू एडवांस ऑन अलॉटमेंट और टू बैंक। अब इसको समझना पड़ेगा, 80,000 तो डेबिट कर दिया गया, जिसमें से टू में मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा, तो टू में इक्विटी शेयर कितने का जाएगा? जितना मेरे पास इशू करने का राइट है उससे लिखेंगे, जो कि मैं यहां पे लिखूंगा मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10,000 मल्टीप्लाई टू 15,000, यानी 30,000। यहां तक कोई डाउट? अब बात करते हैं एडवांस। इस पहले कैटेगरी वाले ने, कोई ऐसा शेयर होल्डर है जिसने एक मांगा और उसे मिला ना हो, या चार मांगा और तीन मिला, तो इसका कोई एडवांस होगा क्या? सेकंड कैटेगरी वाले का कोई एडवांस होगा, ये पैसे वापस करने हैं। जब उसको मैंने शेयर ही नहीं दिया तो उसके पैसे क्या करने होंगे? वापस करने होंगे। तो वापस करने के लिए मैं यहां पे बैंक का वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। तो वापस 20,000 करने हैं, तो 20,000 इंटू दो 40,000। 40,000 बैंक में आएगा, बिल्कुल ठीक। इसके बाद जो एडवांस है वो इस कैटेगरी वाले का होगा। कितने शेयर एडवांस होंगे? 5,000। तो 5,000 कैसे, 16 वालों को 11 मिला, तो 5,000 बीन्स 5,000 मल्टीप्लाई दो, और इसका था 20,000 मल्टीप्लाई दो 40। अब मैच करो, देखो यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? अगली एंट्री करते हैं अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और सिक्योरिटी प्रीमियम यहीं पे क्रेडिट हो जाएगा। कितना लिखना है हमें? हमें लिखना है यहां पे 15,000, क्योंकि एक बार एंट्री एप्लीकेशन रिसीव से करेंगे, उसके बाद आने वाले सारी एंट्री 15,000 से करेंगे। तो 15,000 मल्टीप्लाई 7, तो 1,05,000। इक्विटी शेयर में कितना जाएगा? 15,000 मल्टीप्लाई 6, 90,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम है कितने का? तो यहां पे लिखेंगे 1,05,000। ये देखिए, कोई दिक्कत? अब समस्या थोड़ा यहां से जनरेट हो जाएगा। मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, अब मुझे उम्मीद है कि 1,05,000 मेरे पास आएगा, लेकिन जिसने एडवांस दिया क्या वो देगा? नहीं देगा।
तो एडवांस कितना है हमारा? एडवांस है हमारा 10,000। कोई डाउट? और जो फेल हो रहा है वो भी नहीं देगा मुझे पैसे, तो हमें समझना है कि फेल हो कौन रहा है। फेल हो रहा है हमारा दो, एक राम और एक सोहन। अब मैं राम की चर्चा करता हूं। राम ने 100 शेयर मांगे थे तो उसे मिले कितने थे? इसका क्या कोई एडवांस है? नहीं है कोई एडवांस। तो इसका कैलकुलेशन मैं बड़ा ही आसानी से करूंगा। माइनस में 100 इंटू में अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा, तो 100 इंटू में 7 यानी 700। ठीक है, दूसरे का करने से पहले एक एग्जाम्पल आपसे पूछता हूं। सपोज करो आपने 10 शेयर मांगे, तो मुझे 10 शेयर जब मांगे तो पेमेंट 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए दिए? लेकिन मैंने आपको सिर्फ 5 शेयर ही दिए, तो आपने 10 शेयर के 20 रुपए दिए। मैंने बोला जी आपको तो 5 शेयर ही दिया जाएगा, और कितने रुपए का शेयर दे दिया मैंने आपको? आपका एक क्वेश्चन जरूर रेज होगा कि मेरे बाकी के 10 लाओ, बोल सकते हो। लेकिन कंपनी ने बोला कि आपके बाकी के 10 की चिंता मत करो। आप क्या बोलोगे, चिंता क्यों ना करें? मैंने बोला बाकी का 10 रुपया आपका जब मैं बाद में पैसे मांगूंगा ना, तो मत देना, उतने कम करके देना। मैंने बोला, उस वो मान गया। अब जब मैं अलॉटमेंट पे मांगने आया, मैंने बोला जी आपके पास 5 शेयर है और 7 रुपए के हिसाब से 35 रुपए लाओ फटाफट अपने घर से। आप क्या जवाब दोगे? सर 35 रुपए गलत बोल रहे हो आप, 35 मांगते ठीक हो, लेकिन इसमें से कुछ पैसे तो मैंने पहले एडवांस दे रखे हैं। और कितने पैसे एडवांस दे रखे हैं? 20 दिए थे, 10 का सामान दिया, तो मतलब 10 एडवांस है। तो मैं अब लाइबल हूं सिर्फ कितने देने के लिए? मैंने बोला चलो लाओ 25। आप बोलते हो सर 25 रुपए नहीं है, मैं तो नहीं दे सकता। तो मुझे बताना, ये आप हो, आप मुझे अलॉटमेंट पे पैसे देने से मना करते हो। आपके पास है कितने शेयर? 5। वैसे देखा जाए तो 5 × 7 35 रुपए देने से मना कर रहे हो, लेकिन जब हम इसको कैलकुलेशन से सच्चाई देखें तो आप 35 देने से मना नहीं कर रहे, आप मुझे 25 रुपए देने से मना कर रहे हो। तो अलॉटमेंट के टाइम पे जब मैं बैंक में रिसीव करूंगा तो 25 नहीं आएंगे या 35 नहीं आएंगे? 25 नहीं आएंगे। ये एग्जाम्पल समझ में आया? अब चलो अब मानते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं आप जवाब दे पाते हो नहीं दे पाते। मान लो 15 शेयर आपने मांगे और आपको मिले भी 15, तो मैं इसको अप्लाई लिख सकता हूं क्या? और इसको आपको मिले 15, 2 रुपए के हिसाब से आपने 30 रुपए दिए, क्या आप मेरे से कोई डिस्कशन करोगे फालतू की बात कि सर एडवांस है मेरे पैसे दो? कोई ऐसा डिस्कशन नहीं। अलॉटमेंट पे मैंने गया और मैंने बोला भाई अलॉटमेंट के पैसे 15 × 7 आप मुझे दे दो, 105। आपने बोला मैं नहीं दे सकता, तो क्या बताओ 105 रुपए बैंक में नहीं आएंगे या कुछ और? 105। यहां कोई झंझट ही नहीं है। तो आप इस बात को सोचो, जहां पे शेयर होल्डर जितने मांगता है उतने मिलते हैं, तो वहां पे तो दिमाग ही नहीं लग रहा हमारा, माइंड मतलब वहां पे सोचना ही नहीं है। शेयर मल्टीप्लाई बाय जहां फेल हो रहा है माइनस कर देंगे, लेकिन जहां पे मांगा कुछ जाए और मिले कुछ, तो वहां के लिए हमें सोचना पड़ता है। वहां पे हम डायरेक्ट इनटू करके फेल नहीं बता सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले पता करना पड़ेगा शुरू से कितने पैसे दिए थे, कितने पैसे कट गए थे, कितने एडवांस बचे थे, फिर और कितने मांगा जा रहा है तो कितने उसके रह जाएंगे, इस तरीके से। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। ये 2 पॉइंट समझ में आया अच्छे से? अब इसी पॉइंट की बात करता हूं। इसका तो मैंने देखो, इसने अप्लाई किए थे 100, इसको मिला कितना था? 100। तो इसका कोई एडवांस होगा, तो 100 × 7, इसलिए मैंने 700 माइनस कर दिया। लेकिन इसका मैं 110 × 7 नहीं कर सकता। रीजन है
क्योंकि इसने मांगा 110, इसको मिला अगर 110 है तो क्या मांगा भी 110 ही होगा इसने? अगर मैं इसको इस कैटेगरी से बिलोंग करता तो बोलते हाँ सर मांगा भी 110 ही होगा, लेकिन इसको मैंने कहाँ बिलोंग करवाया कैटेगरी नंबर, तो बताओ कुछ और मांगा होगा। इसके लिए हमें एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उस कैलकुलेशन को ध्यान से देखिए। कैलकुलेशन क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैं पता करूंगा कि भाई सोहन आपका हिसाब किताब बनता क्या है। मैंने बोला अलॉटेड अलॉटेड टू सोहन कितने शेयर अलॉट हुए? अगर मुझे अब निकालना है अप्लाई बाय सोहन, तो सोहन ने मांगे कितने थे ये मुझे जानना है। तो कैसे जाना जाए इसको? इसको जानने का तरीका सिंपल है, कोई फॉर्मूला है नहीं, बस समझा देता हूं। जब हमें निकालना हो तो हम निकालेंगे शेयर मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय गिवन। मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब आपको क्या चाहिए, आप अलॉटेड चाहते हो या अप्लाई चाहते हो उसके हिसाब से। गिवन का मतलब आपको गिवन क्या है, अप्लाई गिवन है या अलॉटेड गिवन है, ठीक है? तो यहां पे उसका रेशो चाहिए हमें मेनली। इसका रेशो अगर मैं निकालूं तो 16:11 बनता है थर्ड कैटेगरी वाले का। तो मैं फॉर्मूले में अगर इसको फिट करूं तो शेयर है 110, हमें चाहिए क्या, अप्लाई चाहिए ना, अलॉटेड दे रखा है तो क्या आप अलॉटेड अगेन निकालोगे, अप्लाई निकालोगे तो इनटू में रिक्वायर्ड। तो अप्लाई का रेशो क्या है, डिवाइडेड बाय गिवन क्या है, क्या गिवन था, तो अलॉटेड का रेशो क्या है, समझ में आई है? यानी आपको अप्लाई और अलॉटेड क्या हो सकता है? अगर मैं यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता, मान लो मैं बोलता इसने अप्लाई किए 110, तो मैं 110 तो लिखता, लेकिन मल्टीप्लाई में किसका रेशो रखता, 11 रखता। क्यों? इनटू में क्या आएगा, अलॉटेड ने क्या चाहिए। अगर मैं बोलता हूं मोहन ने अप्लाई किए हैं, तो आप जब इसका नंबर ऑफ शेयर निकालोगे तो मल्टीप्लाई में क्या रखोगे, अप्लाई दे रखे हैं तो अलॉटेड का रेशो, और डिवाइडेड बाय अप्लाई दे रखे हैं तो अप्लाई का ही रेशो। यानी सिंपल, जो रेशो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा ये वाला ऊपर आएगा ये वाला नीचे, रटना नहीं है आपको, ठीक है? यानी 160। अब मैं और इसका डिटेल में चर्चा करता हूं, डिटेल में डिस्कशन। टोटल अमाउंट बताओ, टोटल अमाउंट रिसीव कितना हुआ होगा? तीन सौ बीस, हाँ या ना? क्योंकि भाई आपने 160 शेयर मांगे तो 2 रुपए के हिसाब से मुझे पैसे दिए होंगे ना, क्या आपको 320 रुपए का ही शेयर दे दिया मैंने? नहीं दिया, तो यानी आपने कुछ एडवांस दिया है, तो मैं लेस कर दूं आपका एडजस्टमेंट, एडजस्ट ऑन एप्लीकेशन, आपके कितने पैसे एडजस्ट कर दिए होंगे। मैंने बोला भाई साहब आपको 110 मल्टीप्लाई दो 220, यानी 100 रुपए आपके मेरे पास एडवांस है, 100 रुपए मेरे पास एडवांस है। आप बोलते हो मेरे 100 वापस दो, मैं नहीं दूंगा, मैं आपके इस 100 रुपए को आगे एडजस्ट कर लूंगा, तो आप कम दे देना। आगे कहां, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, कहाँ? आप यहां एडवांस बोल रहे हो तो यहां के लिए तो दे रहे होगे, यानी कहां पे, अलॉटमेंट पे, ठीक है? अब मैंने बोला चलो आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं, मैंने बोला कॉल ऑन अलॉटमेंट, मैंने बोला अलॉटमेंट पे लाओ पैसे लेके आओ, कितने रुपए मांगू बताओ इससे अलॉटमेंट पे। मैं मांगने की बात कर रहा हूं, देगा कितना वो बात की, मेरा हक है कि मैं तो पूरे मांगू, आप भूल जाओ मेरे लिए अच्छी बात है, मैं तो ले लूंगा। तो मैं बोलूंगा भाई साहब आपको मैंने दिए थे कितने शेयर, याद करो,
और 7 रुपए के हिसाब से 710 लाओ, 770। आपने बोला सर 770 कैसे, 100 एडवांस से। मैंने बोला कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, 670 तो लाओ। आपने बोला कि हम 670 भी नहीं देंगे, हम तो हो गए फेल, हमारे पास 1 रुपए नहीं है, आपको जो एंट्री करना है कर लो। इसका मतलब अब जब मैं अलॉटमेंट पे पैसे रिसीव करूंगा तो इसका तो झंझट नहीं है, इसका झंझट आया तो ये कितने पैसे नहीं देगा, ये पॉइंट है हमारे इस क्वेश्चन में। नहीं तो नॉर्मली हम कैसे सोचते थे, 700 110 मल्टीप्लाई 7, 770 देते सीधा 770, जबकि ऐसा। फिर क्वेश्चन रेज होता है, सर हमें कैसा पता चलेगा ऐसे करना है, पहले वाले का क्या मैंने किया, जहां पे अप्लाई और अलॉटेड सेम हो वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता कि क्या दे रखा है क्या ले रखा है, सीधा मल्टीप्लाई करके करेंगे। जहां पे अप्लाई और अलॉटेड का डिफरेंस है वहां पे ये रूल अप्लाई होगा कैलकुलेशन। एक क्वेश्चन और पूछा मेरे से एक बच्चे ने, सर अगर मान लो ये यहां फेल होगा तो तब भी ऐसा होगा क्या। मैंने बोला तब तो ये मेरे से लड़ेगा ही नहीं कि मैंने कुछ एडवांस दिया है, क्योंकि उसका एडवांस कहां एडजस्ट हो चुका होगा अलॉटमेंट पे। तो मैं तो बोलूंगा भाई तेरे को 110 दिए, तेरे कुछ नहीं बचे, 110 इंटू में 220 रुपए निकाल, देता है तो ठीक, नहीं तो मैं कॉल सिनेरियर के नाम से एंट्री कर रहा हूं यहां पे, ठीक है। यानी इसका वर्किंग नोट कैलकुलेशन वहीं के लिए होता है जहां के लिए पैसा दिया हो और वहीं क्या हो जाए फेल, तब बनता ही है। अब इसको देखो, सोहन को देखो ध्यान से, इसने यहां पे एडवांस दिया और कहां के लिए दिया, बस अलॉटमेंट के लिए एडवांस दिया, तो यहीं पे हमारा काम होगा, क्लियर है यहां तक। चलिए अब यहां पे कैलकुलेशन दिखाते हैं, यहां पे हमारा एडवांस भी आएगा, एडवांस ऑन अलॉटमेंट डेबिट, और एरियर भी आएगा, एरियर ऑन अलॉटमेंट, ये भी डेबिट करेंगे। तो एडवांस मेरा कितना होगा, आपको तो पता ही, एडवांस कहां गया, ये रहा 10,000। एरियर जोड़ देते हैं, 700 प्लस 670 1370। बैंक में कितने आएंगे, 105 में से 10 माइनस कर दिया तो बचे 95, 95 में से और 1,000 माइनस कर दो 94,000, तो 93,630। समझ में आ रहा है, क्लियर। अब फाइनल कॉल की एंट्री करें, चलो। अच्छा हाँ, एक तो रह गया कि क्रेडिट मैच ही नहीं किया, टू शेयर अलॉटमेंट, ये आएगा 100 यानी 1,05,000। के वर्ड इसलिए लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं इसलिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आपको एग्जाम में नहीं करना। अगली एंट्री, शेयर फर्स्ट बोल लो फाइनल बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो जो पर्सन यहां फेल है टू बी कंटिन्यू, क्या आगे फेल होगा, यही सीखा हमने, जो एक बार फेल होगा वो लगातार फेल होता जाएगा। तो यहां पे देखा जाए तो दो बंदे फेल हैं, एक के पास 100 शेयर और एक के पास 160 शेयर या 110 शेयर, 110, 160 तो मांगे थे भाई उसने, 110। यानी हमारा यहां पे टोटल पैसे मैं मांगूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मुझे पैसे दो 15,000 शेयर के हिसाब से, मैं टोटल मांगूंगा 2 रुपए, तो 30,000 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन क्या मिल पाएगा 30,000, जब बैंक में 30,000 रिसीव करने जाएंगे। तो इसमें से 110 और 100, 220 शेयर होल्डर के पैसे 2 रुपए के हिसाब से नहीं आएंगे, जो कि बनते हैं 240, 440, 440 माइनस कर देंगे तो 29,000 क्या। अच्छा 100 और 2, 210 होना चाहिए, ठीक है, 210 इंटू में तो आ जाएगा आपका 420, 420 माइनस कर दे तो 29,580। क्या कॉल सिनेरियर है यहां पे, दिखाना चाहिए।
अब बताओ कॉल सिनेरियर में कितना आएगा, आप बताओ कॉल सिनेरियर में क्या आएगा? नहीं पता, बताओ। 420। कॉल सिनेरियर का मतलब भी तो पता हो, क्या होता है मतलब? आउटस्टैंडिंग दिया नहीं, तो यही दोनों तो नहीं दे रहे, तो सिंपल कितने भाई, 210 शेयर दोनों मिलके मल्टीप्लाई दो यानी, और टू में क्या आ जाएगा, टू शेयर फाइनल कॉल 30,000। ये हमारा आंसर पूरा हो गया कंप्लीट। ठीक है, फिर से देखो, हमें ये वाला कैलकुलेशन मेन है, इसी पे बच्चे यही वाली एंट्री गलत करते हैं मेन, इसके वजह से वो पूरा क्वेश्चन कर तो देते हैं लेकिन नंबर उनको 8 में से सिर्फ 2 या 3 मिल पाता है। वो सोचते हैं हमने इतना किया है कुछ तो देगा, और वो कुछ एक या दो नंबर जो भी एग्जामिनर को समझ में आएगा वो दे देगा। यानी बच्चा यहां से अगर गलती स्टार्ट कर देना तो आगे टू बी कंटिन्यू मिस्टेक करता जाएगा, वो रुकेगा नहीं, फिर वो कंटिन्यू मिस्टेक ही करता रहेगा पूरे क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ इसमें। नॉर्मली सबसे पहले कैटेगरी का मतलब क्या होता है, समझ में आया? इसके बाद अप्लाई का मतलब क्या होता है, समझ में आया? अलॉटेड क्या होता है, मिला? इसके बाद फुल कैटेगरी वाला हो तो उसमें फेल होगा तो कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन अप्लाई और अलॉटेड डिफरेंस डिफरेंस है, तो वहां फेल हो तो हमें उसका वर्किंग नोट करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका पैसा अलॉटमेंट पे एडवांस हो तो फर्स्ट कॉल पे एडवांस है तो फर्स्ट कॉल पे भी करेंगे। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में देखो, अलॉटमेंट के लिए तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन, फर्स्ट कॉल के लिए कोई भी कैलकुलेशन है हमारे पास नहीं, क्योंकि एडवांस ही नहीं था। उसके बाद जितने पैसे नहीं आए दोनों के जोड़ के बैंक में से क्या करते हैं हम, अलॉटमेंट के टाइम पे माइनस। लेकिन एक का तो माइनस हमने किया है कैलकुलेशन करके, और एक का माइनस किया मैंने डायरेक्टली, समझ में आया? तो ये पूरे के पूरा हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया। अब हेडिंग डाला मैंने फेल ऑन अलॉटमेंट, दोनों कहाँ फेल हुए, तो उस बेस पे मैंने ये एग्जाम्पल लिया उस पे। अगला है फेल ऑन फर्स्ट कॉल, अब अलॉटमेंट पे कोई फेल नहीं होगा, सीधा फेल कहाँ होगा, तो कैसे करेंगे हम? उसके बाद फेल ऑन अलॉटमेंट पे एक फेल हो गया, दूसरा फेल हो गया फर्स्ट कॉल पे, तो कैसे डील करेंगे उसको, वो सीखेंगे। अब फटाफट से ये वाला पॉइंट नोट करिए, बताओ आप पढ़ के बताओ कैलकुलेशन में क्या लिखा है।